दोस्तों MI का 55 इंच का टीवी है और इसमें बैकलाइट चालू है, नो डिस्प्ले, ब्लैक स्क्रीन है और इसका मॉडल नंबर मैं दिखा देता हूँ। L55 M5XIN। तो ये ब्लैक स्क्रीन में, तो इसको रिपेयर करके मैं बताऊंगा दोस्तों सिंपल तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो टीवी को खोल लेते, खोलने के बाद आप लोगों को बताऊंगा क्या करना है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसको खोल लिया हूँ और ये कॉम्बो बोर्ड है, पावर सप्लाई और मदरबोर्ड एक ही साथ लगा है और ये एंड्रॉयड है, इसका रैम वगैरह देख सकते हो लगा है यहाँ पे और इसमें टीकॉन लगा है टीकॉन का नंबर है। तो हम लोग सबसे पहले ये क्या होता है, ज़्यादातर जो CKV का प्रॉब्लम रहता है तो हम लोग सबसे पहले इसको खोल के देखेंगे। तो इस साइड अगर पिक्चर बन गया तो हमारा इस साइड में दिक्कत है और इस साइड में पिक्चर बन गया तो हमारा इस साइड में दिक्कत है। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि कौन सा साइड में CKV ब्लॉक करना है हम लोगों को, और इधर भी लिखा भी है। CKV 16 तक CKV लाइन है इसमें, तो एक साइड ब्लॉक करने से ये बन जाएगा, सेट रेडी हो जाएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा साइड ब्लॉक है, तो खोल लेते हैं सबसे पहले इसको खोल लेंगे। तो लाइन देख के देखेंगे कि बन रहा है कि नहीं ग्राफिक्स। बैकलाइट चालू हो गया, देखते थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि 55 इंच बहुत बड़ा होता है। तो इसमें नहीं बना, सेम प्रॉब्लम है। तो दूसरा साइड अभी देखेंगे लगा के। पर थोड़ा टाइम लगता है चालू होने में,
दोस्तों अभी पिक्चर बनना चालू हो गया है, इसका मतलब हमारा इस साइड में दिक्कत है, जो जिप्सी केबल को खोलने के बाद इस साइड में हमारा दिक्कत है और इस साइड में पिक्चर बन रहा है। तो हम लोग इस साइड का सीवी लाइन को ब्लॉक करेंगे, तब जाके इस साइड भी ऑफसेट ओके होगा। तो ठीक है, ब्लॉक करने के बाद कौन सा ट्रैक ब्लॉक करना है वो मैं दोस्तों बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सीकेवी लाइन टिकोन में एक इस साइड से जाता है, हमारे सीकेवी लाइन इधर भी लिखा भी है, सीकेवी 1 सीकेवी 2 ऐसा करके लिखा भी है, 8 तक है, तो 8 रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस अगर खोल दिया तो इस साइड नहीं जाएगा सीकेवी लाइन, इसलिए हम लोग खोलेंगे नहीं। इधर से यहाँ से घुस रहा है सीकेवी लाइन, तो हमारा इस साइड का पैनल शॉर्ट है, मतलब इस साइड का जो पैनल है, पैनल का इस साइड में सीकेवी लाइन शॉर्ट है, इस साइड में सीकेवी लाइन शॉर्ट नहीं है। तो हमारा या इसको ब्लॉक कर देना है, या 8 सीकेवी को ब्लॉक कर देना है, यहाँ से इधर से घुस रहा है ना ये, इसको ब्लॉक कर देना है, ये सीकेवी 1 से सीकेवी 8 तक ब्लॉक कर देना। अगर शॉर्ट क्लियर होता तो शॉर्ट रिमूव हो सकता था, लेकिन मेरे पास शॉर्ट क्लियर नहीं है, तो मैं इसको ब्लॉक करके पैनल को चालू कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोग चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं LED LCD का रिपेयरिंग का वीडियो अपलोड करते रहता हूँ चैनल पे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि जब भी मैं चैनल पे वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो इस साइड का सीकेवी लाइन ब्लॉक करूँगा अभी। ठीक है, ब्लॉक करने के बाद मैं दिखाऊँगा कैसे ब्लॉक किया जाता है। दोस्तों ये एक हाथ से नहीं होता है रिकॉर्डिंग करना, इसलिए मैं इसको ब्लॉक कर दिया हूँ, इतना एक टेप लगा दिया हूँ यहाँ से, और इसको मैं अभी फिट करूँगा और दिखाऊँगा दोस्तों। ऐसे ही दिखा देता हूँ, दिक्कत हो जाता है अकेला। चलो देखता हूँ चालू करके, सीकेवी लाइन तो ब्लॉक हो गया, अभी थोड़ा ये टाइम लेगा। एंड्रॉइड में थोड़ा चालू होने में टाइम लेता है, तो अभी पूरा स्क्रीन आ गया है देख सकते हो, तो मैं इसको सीधा करने के बाद दिखाऊंगा। ठीक है, एंड्रॉइड लिखा है, अभी ये ब्लू स्क्रीन में है, तो मैं इसको चालू सीधा करने के बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी देख सकते हो चालू हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई रिपेयरिंग का वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलता है लेटेस्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।